लास्ट सवाल, बिलावल आए हुए थे अभी, सब तवक्को यही करते हैं कि जैसे ही वो अपनी स्टडीज खत्म करेंगे वो वापस आके आपके साथ हाथ बटाएंगे। मैं हमेशा सोचता हूं कि कैसी जिंदगी उनकी गुजरी एग्जाइल में आपके बच्चों की और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से। वो अंग्रेजी में बात करते हैं, लोग कहते हैं उर्दू क्यों नहीं बोलते, सिंधी क्यों नहीं बोलते, आप तो चार जुबानें बोलते हैं, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, बलोची, आप क्या नहीं बोलते? और आपके बच्चे सवाए अंग्रेजी के, जब मैं ग्रामर स्कूल से पिटारो गया तो सवाए अंग्रेजी के कुछ नहीं बोलता था। अच्छा, जब मैं पिटारो पहुंचा तो वहां मैंने उर्दू सीखी। उस जमाने, हमारे जमाने में ग्रामर स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती थी, तो पिटारो में मैंने उर्दू सीखी। पिटारो में जब अजीजी को हमने चैलेंज कर रखा है कि वो इसको बूझेगा, पहचानने की कोशिश करेगा कि ये शख्सियत कौन है। आप भी कोशिश कीजिए। जी जनाब। यार मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, वो तो रोज होता है, कभी पेट में, कभी सर में, कभी टांगों पे। आखिर स्कूल जाते हो तेरा दम क्यों निकला है? यार मुझसे सबक याद नहीं होता है। गिल्ली डंडा और कबड्डी तो खूब याद रहती है। हाँ क्या ख्याल है, आज तुम भी स्कूल से गोल हो जाओ, दूसरे गांव के लौंडों के साथ गिल्ली डंडा खेलेंगे। सीधे सीधे स्कूल चल। अरे वो देखो, ये तो रो रही है। क्यों रो रही है? किसी ने मारा है। अरे बुआ मम्मी, बैलगाड़ी में चले गए? बैलगाड़ी में क्या होगा? क्या वही होगा जो होना होगा। आओ हमारे साथ चलो, हमारे अब्बा तुम्हें अब्बू के घर पहुंचा देंगे। तुम अकेली मत जाया करो। मैं अपनी अम्मी के पास जाऊंगी। घर चलो, मेरे अब्बा तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास पहुंचा देंगे। पहचानने की कोशिश करो। क्यों भाई फ्रीज कर दिया? अल्लाह खैर करे, ये पीरो मुर्शिद तो नहीं है? अब मुझसे मत पूछो यार, वैसे बहुत आला एक्टर है भाई। तलफ्फुज़ कितना अच्छा था। अच्छा मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम उसकी अदाकारी की तारीफ करो, बताओ वो है कौन? यार अदाकारी उसने की, ऐसी तारीफ करने पे मजबूर कर दिया। तुम कह रहे हो कि अदाकारी की तारीफ ना करो, तुम बताओ। नाजी सोच रही हूँ सर, कोशिश कर रही हूँ। यार ये जो भी है ना, ये मैं तुम्हें बता दूं, ये है कराची साइड का बच्चा। क्योंकि इतनी अच्छी उर्दू जो है ना वो खिंच के नवाज शरीफ नहीं बोल सकते। एक चीज तो क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई कि चलो ये ठीक है, पंजाब पॉइंट सही है सर ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बलोचिस्तान, बलोचिस्तान ये क्या मतलब? तुम अब इलाकों तो अपनी दफा क्यों पूछते हो फिर मुखबरियों? अच्छा तुम सिर्फ ये बताओ कि ये है कौन, मुझे नाम दो बस। अच्छा है कराची का? हाँ जी कराची का। और सियासी शख्सियत? सियासी है, हरी अपना। यार कैमली शाह, कैमली शाह तो बचपन में भी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बचपन ये तो बड़ा गुपलू सा बच्चा था। अच्छा यानी के पीरो मुर्शिद नहीं है? यार खुदा के वास्ते बता दो यार, परेशान ना करो, मैं तो अजीब तज़ब्ज़ब में पड़ गया हूँ। अच्छा, कौन है ये बच्चा? अब तुम हैरान होगे कि ये वो बच्चा है जो चाइल्ड स्टार के तौर पे कास्ट हुआ और फिल्म में बड़ा होकर वहीद मुराद बना। अच्छा। और इसकी किस्मत में लिखी थी शमीमारा। अच्छा। उसकी हेरोइन। ठीक। और रियल लाइफ में ये बच्चा जब जवान होके बड़ा हुआ तो इसकी किस्मत में जो हेरोइन लिखी थी दुनिया उसे बेनजीर भुट्टो के नाम से याद करती है। हाँ जी ये जरदारी साहब, ये आसिफ अली जरदारी साहब थे। अमान से? जी जी जी, वो फिल्म में काम कर चुके हैं।